नमस्कार, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपको इस तरह का ट्रायंगल शॉल डिज़ाइन बनाना बताऊंगी और ये मैंने लीफ स्टिच से इसको बनाया हुआ है और ये आसान है बनाने में। तो यहाँ से मैंने इसको स्टार्ट किया है और जो स्टार्टिंग में हमारा ये वाला पैटर्न और ये सेम आएगा और बीच में हमारे पास यहाँ पे एक लीफ आया है, फिर ये दो, इसके बाद ये तीन हो गए हैं और इसी प्रकार से बढ़ते हुए जाएंगे। तो आप इसको कितना भी बड़ा बना सकते हो। तो चलिए आज हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे पांच चेन ली हुई हैं और अभी हमने एक स्मॉल सा लूप बनाना है। यहाँ पे स्लिप स्टिच बनाएंगे और ये हमारे पास एक लूप बन जाएगा। इसके ऊपर हम तीन चेन लेंगे, बल लेंगे और एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये हमारे पास दो डबल क्रोशिया हो गए क्योंकि हम इसको भी डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे जो हमने तीन चेन लिया है। और इसके बाद बीच में हम दो चेन लेंगे, बल लेंगे और इसी लूप में दो बार और डबल क्रोशिया करेंगे। फिर से दो चेन लेंगे और दो बार यहाँ पे और डबल क्रोशिया करेंगे। तो हमने इसी लूप में स्टार्टिंग में छह बार डबल क्रोशिया करना है और बीच में हमने यहाँ पे एक और दो दो लूप बना लेने हैं। तो जो फर्स्ट रो है हमारी वो इस प्रकार से आएगी। अभी हम हमारी सेकंड रो स्टार्ट करेंगे। तो हमने यहाँ पे तीन चेन लेना है, इस तरफ घूम जाना है, बल लेना है और जो अभी हमारे पास यहाँ पे लूप बना हुआ है इसमें हमने दो बार डबल क्रोशिया बनाना है। ये हमने एक बार बनाया है, ये दूसरी बार, और बीच में दो चेन लेना है, फिर से यहीं पर दो बार बनाना है। तो टोटल ये हमारे पास चार बार डबल क्रोशिया हो गया और दो बार बीच में चेन हो गई। तो इसी प्रकार से बनाना है। अभी यहाँ पे हमने तीन चेन लेना है, एक दो और तीन, बल लेना है और जो लास्ट का हमारा लूप है वहां पे जाके हमने दो बार डबल क्रोशिया करना है और बीच में दो चेन लेना है और फिर से यहीं पर दो बार हमने और डबल क्रोशिया करना है। तो इस पूरे शॉल डिजाइन में जो हमारा ये वाला पैटर्न है कि हमने दो बार डबल क्रोशिया किया, दो चेन ली, फिर से दो बार डबल क्रोशिया किया, तो ये हमारा सेम आएगा, दोनों तरफ से सेम आएगा और बीच में हमारा डिजाइन बढ़ता हुआ जाएगा। तो अभी हम हमारी नेक्स्ट रो स्टार्ट करेंगे। तो हमने यहाँ पे एक दो और तीन, जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्टार्टिंग में और लास्ट में हमारा सेम पैटर्न आएगा। तो हमने तीन चेन लेना है और जो हमारा यहाँ पे फर्स्ट लूप है उसमें दो बार डबल क्रोशिया करना है और बीच में दो हमने चेन लेना है इस प्रकार से और दो बार हम यहीं पर फिर से डबल क्रोशिया करेंगे। तो ये हमारे पास सेम आएगा इसके ऊपर और फिर इसके ऊपर भी ऐसे ही बनता हुआ जाएगा। और अभी हमने यहाँ पे दो चेन लेना है, एक और दो, बल लेना है और जो हमारे पास यहाँ पे हमने तीन चेन ली थी, जो हमारी थर्ड चेन होगी यहाँ पे एक और दो, जो हमारी यहाँ पे सेंटर की चेन है, सेकंड चेन है, वहां पे हमने डबल क्रोशिया करना है। तो हमने एक बार डबल क्रोशिया किया, दो हमने चेन ली और इसके ऊपर हम तीन चेन लेंगे। तीन चेन लिया हमने यहाँ पे और बल लेना है और यहीं पर हमने एक बार और डबल क्रोशिया बनाना है। यहाँ पे हमने पहले डबल क्रोशिया किया है, बीच में तीन चेन लेना और फिर से यहीं पर हमने एक बार और डबल क्रोशिया करना है और हम फिर से दो चेन लेंगे। दोनों तरफ हमने दो दो चेन लेना है, बल लेना है और जो हमारे पास ये वाला लूप है वहां पे हमने दो बार डबल क्रोशिया करना है और बीच में दो चेन लेना है और फिर से यहीं पर दो बार और डबल क्रोशिया करना है। तो नेक्स्ट रो में देखिए, मैंने यहाँ पे फिर से यही दो बार डबल क्रोशिया और बीच में दो चेन और फिर से अगेन टू टाइम डबल क्रोशिया ये मैंने बना लिया है। ये इस तरफ भी सेम आ रहा है और इस तरफ भी। और अभी हमने यहाँ पे दो चेन लेना है, इस पूरे शॉल में हम चेन टू ही लेंगे और हमने टू यहाँ पे चेन लेना है और जो हमारे पास यहाँ पे हमारे पास लूप बना हुआ है जो हमने यहाँ पे बनाया है वहां पे हमने 10 बार डबल क्रोशिया करना है। तो इसी लूप में हम 10 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे।
तो हमने 10 बार डबल क्रोशिया किया इस लूप में। और अभी हमने यहाँ पे दो चेन लेना है, जैसे कि हमने इस तरफ दो चेन लिया और यहाँ पे जो हमारे पास दो बार हमने इसी लूप में डबल क्रोशिया बनाना है, सेम बनाना है और बीच में दो चेन लेंगे हम। तो देखिए हमारा ये डिजाइन इस प्रकार से आया है। तो अभी इसके ऊपर हमने दो रो जो हमारी हैं, टू रो यहाँ पे सेम आएंगी। यहाँ पे देखिए हमने ये वाला 10 हमने यहाँ पे इस प्रकार से डबल क्रोशिए बनाए हैं। इसके बाद एक और दो रो हमारी सेम आएंगी, टू हम इधर से चेन लेंगे और 10 के ऊपर हमने 10 बार बनाना है। बीच में कोई चेन नहीं लेना है, 10 के ऊपर हम 10 बार बनाएंगे और फिर से दो चेन लेंगे और फिर से ये वाला पैटर्न सेट करेंगे। और उसके बाद फिर से हमने दो चेन लेना है इस तरफ से, ऐसे ही बना के दो चेन लेके 10 के ऊपर हमने फिर से 10 बार बनाना है। और उसके बाद फिर हम यहाँ से जो हमारे नेक्स्ट जो पत्तियां आएंगी उसके लिए हम यहाँ पे लूप बनाएंगे और बीच में जो हमारी पत्ती है, ये वाला हमारा लीफ है, इसको हम कम करेंगे, साइडों से कम होता जाएगा और लास्ट में ये हमारे पास यहाँ पे टू डबल क्रोशेट रह जाएंगे। यहाँ से 10 है तो ये टू रह जाएंगे। तो आपने दो रो सेम बना लेनी है जैसे कि हमने ये वाली रो बनाई है। तो देखिए मैंने यहाँ पे दो रो यहाँ पे सेम बना ली हैं। तो अभी हम हमारा ये जहां से लीफ है इसको हम कम करना स्टार्ट करेंगे। तो इस रो में हमारे पास 10 के ऊपर ये 8 डबल क्रोशेट आएंगे, 8 डबल क्रोशेट आएंगे। और अभी हमने यहाँ पे जो हमारे पास ये वाला डबल क्रोशिया है इधर से लास्ट है, वहां पे हमने ये वाला लूप बनाना है। तो अभी हम यहाँ पे दो चेन लेंगे, एक और दो, टू हमने यहाँ पे चेन लेना है। और जो हमारे पास ये वाली हमने यहाँ पे डिजाइन बनाया था, इसकी जो हमारे पास लास्ट वाला डबल क्रोशिया है यहाँ पे, उसकी जो चेन है हमारे पास, वहां पे हमने डबल क्रोशिया बनाना है एक बार। जो हमने यहाँ पे लूप बनाया था उसके ऊपर फिर हमारा लीफ आया था। तो अभी हम दो यहाँ पे इसी प्रकार से हमारे जो लूप आएंगे, तो एक तो इस तरफ से जो हमारा लास्ट डबल क्रोशिया आएगा उसके ऊपर आएगा और एक जो इस तरफ से हमारा फर्स्ट आएगा उसके ऊपर आएगा। तो अभी हमने बीच में तीन चेन लेना है और यहीं पर एक बार और हमने डबल क्रोशिया करना है। तो ये इस प्रकार से हमारे पास लूप बन गया है। और फिर से हम दो चेन लेंगे, बल लेंगे और इस तरफ से हमने एक जो हमारा डबल क्रोशिया उसको स्किप कर देना है, क्योंकि अभी हम यहाँ पे जो हमारा लीफ है उसको कम करेंगे। तो ये हमारे पास यहाँ पे 10 के ऊपर 8 आएंगे, तो एक तो हम इस तरफ छोड़ देंगे और एक इस तरफ। तो अभी हमने एक को छोड़ा, तो नेक्स्ट में जो सेकंड है वहां पे हमने डबल क्रोशिया करना है। तो अभी हम 8 बार बनाएंगे, और एक हम इस तरफ से स्किप कर देंगे। तो ये हमारे पास 10 के ऊपर 8 हमारे डबल क्रोशिया आ जाएंगे। अभी हम फिर से दो चेन लेंगे और जो हमारा इस तरफ से फर्स्ट जो हमारा डबल क्रोशिया है इसके ऊपर हमने फिर से लूप तैयार करना है। एक बार हमने डबल क्रोशिया करना है, बीच में तीन चेन लेना है और फिर से वहीं पर एक बार और डबल क्रोशिया करना है। और फिर से हमने यहाँ पे दो चेन लेना है और इसके ऊपर हमने फिर से वही डिजाइन सेट करना है, दो बार डबल क्रोशिया और बीच में दो चेन और फिर से वहीं पर दो बार और डबल क्रोशिया। तो ये हमारी जो पत्ती है वो कम होनी स्टार्ट हो गई है और हमारे पास यहाँ पे दो पत्तियां हमने और स्टार्ट कर ली हैं। तो अभी हम यहाँ पे दो चेन लेंगे और हमने जो हमारा ये लूप है वहां पे हमने फिर से 10 बार हमने यहाँ पे डबल क्रोशिया करना है, जैसे कि हमने यहाँ पे बनाया था। तो हमने यहाँ पे 10 बार डबल क्रोशिया बना लिया है इस जो हमने लूप बनाया था। और अभी हमने यहाँ पे दो चेन लेना है, एक और दो, और जो हमारे पास यहाँ पे 8 हमारे पास डबल क्रोशिया था, एक हम इस तरफ छोड़ देंगे और एक इस तरफ छोड़ देंगे, तो ये हमारे पास यहाँ पे 6 रह जाएंगे। तो अभी हमारे पास दो और कम हो जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो हमने यहाँ पे 6 बार बनाया और एक इस तरफ हमने स्किप कर दिया और एक इस तरफ। तो ये इस प्रकार से अभी हमारी जो हमारा लीफ है वो
यहाँ से कम होना स्टार्ट हो गया है, ऊपर से इसको शेप आने स्टार्ट हो गई है। अभी हम फिर से दो चेन लेंगे, भर लेंगे, और हमने फिर से जैसे कि हमने इस तरफ 10 बार डबल क्रोशिया बनाया वैसे ही हमने इस तरफ इसी लूप में बनाना है 10 बार, और दो चेन लेके फिर हमने ये वाला पैटर्न सेट करना है इस रो में। तो इस रो में हमने यहाँ पे दो चेन लेना है, और जो हमारे पास यहाँ पे बल लेना है, जो हमारे पास यहाँ पे 10 यहाँ पे डबल क्रोशिए हैं, तो हमने 10 के ऊपर 10 बार बनाना है जैसे कि हमने यहाँ पे बनाया था। और जो 10 के ऊपर हमने 10 बार बनाना है, फिर से बीच में दो चेन लेना है इस तरफ भी, और एक इस तरफ छोड़ देना है, स्किप करना है, और एक इस तरफ। तो जो हमारे पास 6 थे, तो अभी इस रो में हमारे पास यहाँ पे 4 रह जाएंगे, 4 रह जाएंगे। और उसके बाद फिर से हमने इसके 10 के ऊपर 10 बार बनाना है और दो चेन लेके फिर से ये वाला पैटर्न सेट करना है। तो हमने यहाँ पे 10 के ऊपर 10 बार बनाया, और अभी दो मैंने यहाँ पे चेन लिया हुआ है, तो हम इसको फर्स्ट जो हमारा डबल क्रोशिया उसको छोड़ देंगे, और नेक्स्ट में डबल क्रोशिया करेंगे एक बार, दो बार। तो हमने यहाँ पे 4 बार बना लिया है, 4 टाइम हमारे पास यहाँ पे डबल क्रोशिया आया है, और एक हमने इस तरफ छोड़ दिया है। अभी हम दो चेन लेंगे, और जो हमारे पास यहाँ पे हमने 10 डबल क्रोशिया बनाए हुए हैं, तो उनके ऊपर हमने 10 टाइम डबल क्रोशिया करना है, और यहाँ पे दो चेन लेना है लास्ट में, और फिर से ये वाला यहाँ पे डिजाइन हमने सेट करना है। तो देखिए, मैंने ये रो यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक बना ली है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको बताया था, एक दो और तीन रो हमारी सेम आएंगी, 10 के ऊपर 10 बार बनाना है हमने। तो एक बार यहाँ पे हमने 10 बनाया, फिर दूसरी बार, तो तीसरी बार मैंने 10 के ऊपर 10 बार बना लिया है, और बीच में दो चेन लिया है, और इस तरफ हमारा सेम डिजाइन आया है। तो अभी हमारे पास यहाँ पे 4 हैं डबल क्रोशिया, तो ये हमारे पास यहाँ पे 2 रह जाएंगे। तो हमने यहाँ पे दो चेन लेना है, बल लेना है, और एक छोड़ देना है, स्किप करना है, और नेक्स्ट में डबल क्रोशिया हमने बनाना है। एक बार हो गया, और ये हमारा दूसरी बार हो गया, तो हमने ये 2 बार बनाया। और जो हमारा इस तरफ से है, एक इसको हमने स्किप कर देना है, फिर से दो चेन लेना है, और हमने 10 के ऊपर 10 बार बनाना है। तो 10 के ऊपर हम फिर से 10 बार बनाएंगे, दो चेन लेंगे, और सेम यहाँ पे डिजाइन सेट करेंगे। तो देखिए, मैंने यहाँ पे इस रो में अभी हमारे यहाँ तक बना लिया है। इस रो में अभी हमारे पास फिर से यहाँ पे लूप बनेंगे, और यहाँ पे हमारी पत्तियां बढ़ेंगी। जब भी हमारे यहाँ पे 1, 2, 3 रो हमारी कंप्लीट हो जाएंगी 10 के ऊपर 10, उसके बाद हम यहाँ से जो हमारा लीफ है उसको कम करना स्टार्ट करेंगे, तो उसी रो में हमारे पास यहाँ पे लूप बन जाएंगे नेक्स्ट पत्ती के लिए। तो अभी हमने यहाँ पे दो चेन लेना है, 1 और 2, और जैसे कि हमने लास्ट में बनाया था, जो हमारा इधर से लास्ट हमारा जो डबल क्रोशिया है, वहां पे हमने एक बार डबल क्रोशिया करना है। बीच में 1, 2 और 3 हमने यहाँ पे चेन लेना है, और फिर से हमने यहीं पर एक बार और डबल क्रोशिया करना है। तो ये हमारे पास यहाँ पे इस प्रकार से लूप बन गया है। और अभी हम दो चेन लेंगे, बल लेंगे, और एक इस तरफ से छोड़ देंगे, और एक इस तरफ से छोड़ देंगे, और बीच में हमने यहाँ पे 8 बार डबल क्रोशिया बनाना है। तो ये 10 हमारे पास थे डबल क्रोशिया, तो 8 रह जाएंगे। और यहाँ पे हम दो चेन लेंगे, और यहाँ पे भी फिर हमने यहाँ पे लूप बनाना है। तो हम यहाँ पे जो हमने यहाँ पे लीफ बनाया हुआ है, अभी हमने यहाँ पे जो इसकी जो फर्स्ट चेन है वहां पे हमने फिर से लूप बनाना है। तो जो हमारी फर्स्ट चेन है वहां पे हम डबल क्रोशिया करेंगे एक बार, बीच में 1, 2 और 3 चेन लेंगे, और फिर से यहीं पर हमने एक बार और डबल क्रोशिया करना है। तो यहाँ पे भी हमारा एक लूप बन गया है, फिर से इसके ऊपर हमारी पत्ती स्टार्ट हो जाएगी, और लास्ट में जो हमारे पास इधर से फर्स्ट हमारी जो डबल क्रोशिया की चेन है वहां पे हमने डबल क्रोशिया बनाना है, और बीच में हम 1, 2 और 3 चेन लेंगे, और फिर से यहीं पर एक बार और डबल क्रोशिया करेंगे, दो चेन लेंगे, और यही डिजाइन सेट। तो इसके बाद हमारा फिर से यही पत्ती का डिजाइन यहाँ से सेट हो जाएगा, 1, 2 और 3 हमारी पत्तियां स्टार्ट हो जाएंगी। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आप सभी का मेरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।